मनरो की बात की, इनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी तगड़ी है, चाहे वो कॉलन मनरो, रहमानुल्लाह गुरबाज से आप शुरू करें, फिर आज़म खान जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर उसके अलावा रूसी वैन डूसन, ये भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, आसिफ अली हैं, ये सारे बैट्समैन, शादाब खुद जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ कलर है, तो आप नहीं समझते कि आज लाहौर कलंदर्स की जो टॉप की बॉलिंग है आज उसका सही मानों में टकरा होगा एक अच्छी बैटिंग लाइन। दोनों अच्छी टीम है और अच्छी क्रिकेट खेल रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये दोनों अपने कोशिश कर रही है, जो जो गलतियां आखिरी मैच में करती हैं, भले वो मैच वो जीता हुआ हो या हारा हो, अगले मैच में वो चीज़ रिपीट नहीं होती हुई दिख रही है, एक अच्छी टीमों की निशानी होती है जो अपनी गलतियों से सीख के आते हैं। मगर इन दी एंड वही वाली बात है कि आज टॉस थोड़ा सा मैटर करेगा, दोनों टीमों की कोशिश होगी। दोनों टीमों ने पहले बैटिंग करके अच्छा बोर्ड पर टोटल लगाया था आखिरी मैचों में, लाहौर ने कल और इस्लामाबाद ने जो लास्ट मैच खेला उसमें उन्होंने अच्छा रन लगाए थे बोर्ड पर, मेरे ख्याल से हाइएस्ट रन थे इससे पहले, कल से पहले उनके हाइएस्ट रन थे। तो तीसरी अब तक जितनी भी HBL PSL हुई है तीसरा बड़ा स्कोर किया है। अच्छा इकबाल भाई, एक मैं अहमद की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, जिस तरह ये इब्रार के ऊपर बोल रहे हैं ना, इसी तरह मैं तैयब ताहिर का बोलूंगा। जिस तरह पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ हुआ पिछले अरसे से, कुछ अरसे से वो तो ओपनर है, सर मेरी मिडिल ऑर्डर में भी खेला है, मैं थोड़ी बात कंप्लीट कर दूं। देखें कल भी वो आया और वन डाउन आया, वो इस टाइम भूखा है क्रिकेट का, वो ढूंढ रहा है कि मेरे को किस तरह अपॉर्चुनिटी मिले और मैं परफॉर्म करूं। ऐसा प्लेयर पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, और जिस तरह का वो क्रिकेट खेल के गया कल, उसने 2-3 इनिंगें और खेल दी ना इसी, तो वो पाकिस्तान टीम का सबसे भारी कंटेंडर होगा। भी है 29 साल का है, यही मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे भारी कंटेंडर होंगे वो जो आने वाली 2-3-4 सीरीज है या वर्ल्ड कप के लिए। बाहर कौन होगा? नहीं देखें, आप मुझे आप वर्ल्ड कप से उठा के देखें 2-3 की परफॉर्मेंस, आप खुद बोल देंगे ये 2-3 तो ऐसी। मैं नाम नहीं ले रहा सर, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मैं सिलेक्शन कमेटी तो हूँ नहीं। वर्ल्ड कप से अभी तक जितनी क्रिकेट पाकिस्तान टीम की हुई है, मैं 3 प्लेयर, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, 3 प्लेयर ऐसे हैं जो इजीली बाहर हो सकते हैं ऑन परफॉर्मेंस बिहाफ, और 3 प्लेयर ऐड हो सकते हैं, तो उनमें से मैं ये एक प्लेयर बोल रहा हूँ, तैयब ताहिर भारी कंटेंडर बन सकता है अगर 2-3 मैच और इस तरह के खेल गया, क्योंकि टीम मिडिल ऑर्डर से स्ट्रगल कर रही है, आप बना भी नहीं पा रहे, तो भाई जो एक प्लेयर आ रहा है उसकी फॉर्म है, फ्रेंचाइज को जिता रहे हैं, अभी तो एक मैच खेला है, उम्मीद करते।